साहब इत्यादि साहब के हाथों मैं इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं कि वो पुराने पाल की इस जिले के अध्यक्ष शेख अहमद साहब, सभी साथी लीडर साहब, पार्टी अध्यक्ष लीडर सभी साथी साहब, मेयर साहब, अजीत डाकिया साहब, हमारे कार्पोरेट में सफल लीडर साहब, सभी गीता साहब, निशांत भाजी साहब, ईशान भाजी साहब, पांडे साहब और मेरे साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा सेंट्रल हलके से मजलिस के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी साहब, पंचीत के उम्मीदवार अरुण भोले साहब, तमाम दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमको जैसा कायम किया। सच बात तो यह है कि इस शहर की सियासी हालत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आने के बाद सियासी अहमियत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दी। फिर उसके बाद जब 2014 के इंतखाबात हुए हमने इस शहर से कैबिनेट लिया, 25 कार्पोरेटर दिए, ये सब आपकी मदद, आपके इत्तेहाद, आपके जज्बे का नतीजा। मगर इसके पीछे हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सियासत। दोस्तों साथियों, मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहता हूं, हमको हमारी क़यादत की खदमो कीमत करना चाहिए। अयूब डाकिया साहब ने कहा कौन उम्मीदवार है ये विषय नहीं, किसने उम्मीदवार किया है वो विषय है। ये तमाम उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का निकला हुआ हल कब हमारे। दूसरी बात, मैं जब कभी हमारे कायद मोहतरम से बात करता हूं मेरे दिल में कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए एहतराम भर जाता। आज सुबह साहब का फोन आया, क्या कहा उन्होंने क्या कहा, गांधी साहब अल्लाह की भाषा में दुआ कीजिए, दुआ ये कीजिए कि मेरे कामों में इख़लास पैदा हो, मैं कौम और मिल्लत और मुल्क के काम खुलूस के साथ कर सकूं, इख़लास के साथ कर सकूं, ऐसी दुआ। दूसरी बात जो उन्होंने मुझसे कही कि भाई इख़लास का दामन मत छोड़ो, लोगों से इख़लास से पेश आओ, ये शिक्षा, ये तालीम, ये तरबियत असदुद्दीन अवैसी हमारी सियासी क़यादत होने के साथ साथ हमारे लिए वो शख्सियत भी है जो हमारी जिंदगी में निखार चाहती है। आपको याद होगा आम खास के स्टेज से कहा था, अगर मेरी जिंदगी का आखिरी सफर मदीने में ना हो सका तो इस शहर में मेरे नौजवान और काने पर जाए, कितनी मोहब्बत करते, हमको उनकी मोहब्बत का जवाब देना। 31 अक्टूबर के इंतखाबात में वतन को कामयाब करकर आपको बताना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हम भी उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी आप हम करते हैं। अब हमारा बात कम से कम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को पिता, जब ये तीनों उम्मीदवार कामयाब होंगे तब फखर से कह सकेंगे कि अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब,
हमने हक अदा किया। फिलहाल वक्त बहुत कम है, मेहनत से काम करना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हमको एक एक मिनट का इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जो हमारे नागा साथी है हम उनके पेट में मुंडी डाले, हम उन्हें समझाएं। यकीनन कहीं नाराजगी हो सकती है, नाराजगी दूर करें, क्योंकि खाए के मौका में बहुत उम्मीदों के साथ तीन हलकों में उम्मीदवार दिए, तीनों हलके के उम्मीदवार कामयाब होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस जलसे में इम्तियाज जलील साहब का खासतौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस हलके में इन तमाम मामला में मजलिस की रहनुमाई की। अब ज्यादा जिम्मेदारी इम्तियाज भाई पे है, हसन भाई के दो जलसे होंगे, पदयात्रा होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिम्मेदारी के साथ जज्बे के साथ काम करेंगे। इन्हीं ख्वाहिशात के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए जगह लेता हूं। शुक्रिया। मोहब्बत वो इलेक्शन तक थी, वो इलेक्शन में जब जज्बा देखे तो ऐसा लगता था कि ये जज्बा आगे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप लोगों का जज्बा और मोहब्बत जो मजलिस के लिए है उसे बरकरार ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं तीनों कैंडिडेट्स डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब और अरुण गोरे साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जो मोहम्मद आप लोगों ने मजलिस को पिछले 2014 से हम देखते आए हैं वही मोहम्मद आप लोग इन तीनों कैंडिडेट्स के साथ साथ मजलिस के जहां जहां पर भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, चाहे वो नांदेड़ के हमारे फिरोज आला साहब हो या हमारे पुणे कैंटोनमेंट की बहन हिना कोविंद को या जहां जहां पर भी हमने कैंडिडेट्स दिए हैं, उन सब के लिए आप लोग मेहनत करेंगे, दुआएं करेंगे। लेकिन आज मुझे मजलिस की होने का फख्र इस बात को लेकर है कि औरंगाबाद के मध्य की सीट हो या वेस्ट की, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 40 से ज्यादा ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे, 40 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें ये लगता था कि ये टिकट हमें मिलना चाहिए। मुझे फख्र है आज मजलिसी होने का इस बात को लेकर कि जब मेरे नायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 40 में से 3 लोगों का नाम फाइनल किया तो बाकी जितने कैंडिडेट थे आयुष्मान उन सभी ने गब्बे कहा और कहा कि हमारे नायब और यही वो जज्बा है जो हमें ताकत देता है और हमारे अंदर एक यकीन पैदा करता है कि इंशाल्लाह ये नौजवान जब अपनी कुर्बानी देते हैं, ये नौजवान जब कहते हैं कि हमारे खायर ने फैसला किया है, हमारी ख्वाहिश थी लड़ने की, हमारी ख्वाहिश थी कि हम भी उम्मीदवार की हैसियत से आगे आए, लेकिन दोस्तों वही फॉर्म आगे बढ़ती है, वही राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती है जब ऐसे नौजवान और ऐसे ख्वाहिशमंद अपनी ख्वाहिश को पीछे रखकर पार्टी की ख्वाहिश क्या है इसे देखते हैं और अपनी कुर्बानी जब देते हैं तो वो पार्टी आगे बढ़ती है, वो फॉर्म आगे बढ़ती है। मैं इस मौके के ऊपर तमाम वो ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जब एयरपोर्ट पे था वहां पर समीर साजिद ने मुझे एयरपोर्ट के ऊपर ये जानकारी दी कि इम्तियाज भाई असद साहब का ट्वीट आ गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किस कैंडिडेट का हुआ, उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि इम्तियाज भाई पार्टी का जो भी फैसला है
मैं पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। और यही बात बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमें एसएमएस करके, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जाकर ये बात कही कि पार्टी का फैसला है, हम सब इसे कबूल करते हैं। दोस्तों, आज मजलिस जो बड़ी है और इंशाल्लाह 2019 के अंदर मैंने ऐसे ऐसे हमारे मजलिस को चाहने वालों को देखा है कि अगर मालेगांव के अंदर मलिक साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष है, वो पिछले 2-3 सालों से मेहनत कर रहे थे कि मैं इलेक्शन करूंगा। एक दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इम्तियाज भाई, अगर मैं इलेक्शन लड़ा, एनसीपी से मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़े, तो हो सकता है कि मैं भी हार जाऊं, वो भी हार जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई, मैं पीछे हटता हूं, हम मुफ्ती साहब को इलेक्शन लड़ाएंगे और उन्हें जिता कर दिया। ऐसे जज्बे को हम सलाम करते हैं। जाना के अंदर हमारा एक नौजवान साथी माजिद भाई इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को भाबा कि अगर मैं कुर्बानी देता हूं, मैं अगर पीछे हटता हूं, तो हो सकता है कि मैं और ज्यादा ताकत लड़ाऊं और किसी और को चुन कर दे। इसीलिए उन सब ने मिलकर वहां के एक सीनियर लीडर एक बार बादशाह को आगे किया और माजिद ने कहा कि इन्हें जिता कर लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो दोस्तों, ये वक्त ऐसा है कि महाराष्ट्र की नजर इस बात पे लगी हुई है कि एमआईएम कहां कहां कैंडिडेट्स देगी, कौन कैंडिडेट रहेंगे। हम लोगों से ये कहते हैं कि मजलिस देखती नहीं है कैंडिडेट कौन है, मजलिस के शायद बैंच पर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर किसी चरक चलते आदमी के ऊपर हाथ रख दे और कहे कि हमारा कैंडिडेट ये है, तो मजलिस के चाहने वाले कहते हैं हम हमारे तकदीर के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये इलेक्शन मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, किसी को वहम में भी नहीं आया था, किसी को यह गुमान भी नहीं हुआ था कि जब पूरे मुल्क में मोदी मोदी चल रहा था तो मेरे औरंगाबाद में इम्तियाज इम्तियाज चल रहा था। एक ऐसा कारनामा इस शहर के आवाम ने कर दिखाया है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग एक एहतराम की नजर से, एक मोहब्बत की नजर से देखते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आप भी चले जाइए और कहिए कि मैं औरंगाबाद से आया हूं, तो लोग कहते हैं कि तुम मजलिस के शहर से आए हो। दोस्तों, हमें खुशी इस बात की है कि 2014 में जब मजलिस आई थी तो कुछ सियासी जमातों ने, कुछ अखबार वालों ने, कुछ टेलीविजन वालों ने सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया था कि ये मजलिस एक आतंकी संगठन है, दहशतगर्दों की संगठन है, सिर्फ इतना कहना बाकी रह गया था। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर मजलिस ने जो काम करी है उसका नतीजा है कि आज ऐसी कौन सी जाति का और ऐसा कौन से धर्म का आदमी नहीं है जिसने मजलिस के अंदर फॉर्म भरा है कि मैं मजलिस से डरना चाहता हूं। और हम लड़ा रहे हैं। हमने अगर सांगोला सोलापुर के अंदर एक धनगर समाज के हमारे आदमी को हमने टिकट दिया है, तो हमने पूना में हमारी एक एससी बहन को टिकट दिया है, हमने पूना से एक क्रिश्चियन हमारे भाई को टिकट दिया है, हमने जलगांव के रावेर से धोबी समाज का, महाराष्ट्र का अध्यक्ष है धोबी समाज का, उसने आया और उसने कहा कि अगर मजलिस मुझे टिकट देगी तो ही मैं इलेक्शन करूंगा, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
कई साल या यूं कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी शिवसेना के अंदर गुजारी और वो शिवसैनिक की आज हमारे पास आया है। ये लोगों ने देखा कि मजलिस एक सियासी जमात है और जो घरों में डर और एक खौफ का माहौल उनके बारे में तैयार किया गया था कि मजलिस से मुसलमानों की जमात है। हाँ, यकीनन मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अकबर अवैसी साहब हमारे कायद हमारी आवाज है, लेकिन जब पार्लियामेंट के हम अंदर बोलते हैं तो हम जब किसानों के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमान किसानों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम जब यहाँ पर तरक्की की बात करते हैं तो सिर्फ अपनी तरक्की की बात नहीं करते हैं, हम जिले की तरक्की की बात करते हैं। और यही बातें जब लोग सुनते हैं तो वह आज हमारे करीब आ रहे हैं। एक मौका ऐसा है दोस्तों कि मैंने तो असद साहब को वादा किया है, मैंने असद साहब को आप सबकी तरफ से एक वादा किया है कि असद भाई हैदराबाद से आपके साथ आमदार चुनकर आते हैं, हमारा महाराष्ट्र इस बार इंशाल्लाह ज्यादा आमदार आपको पूरे महाराष्ट्र। मेरा इसलिए होता है कि आप लोगों की मैंने मोहब्बत देखी है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स जो ख्वाहिशमंद थे जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें टिकट नहीं मिला मैं जानता हूं, लेकिन जो कुर्बानी उन्होंने दी है वो कुर्बानी कभी जाया नहीं जाएगी क्योंकि उनकी इज्जत हमारी नजरों के अंदर इतनी ऊंची हुई है, उनका दर्जा हमारे नजरों के अंदर बहुत ऊंचा हुआ है। कैंडिडेट तो सिर्फ एक ही हो सकता है, बाकी को अब पूरी ताकत के साथ हमारे साथ जुड़ना है और साथ में चलकर हमें आगे बढ़ना है। छोटी मोटी ना इत्तेफाकियां हो सकती है, कुछ लोग कहेंगे कि इनको क्यों टिकट दिया गया, ये फला साहब को क्यों टिकट दिया गया, बहुत सारे लोग साजिशों के अंदर भी लग गए हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लग गए हैं जब इसको गिराना है। मैं नासिर साहब गफ्फार खादरी साहब को अरुण गोडे साहब को कहना चाहूंगा ऐसे कितने छप्पन आएंगे और अंदाज भी देखना आपको बस आप लोगों को यह ख्याल करना है टीम के तौर के ऊपर काम करना है। मेरे इलेक्शन में मुझे उम्मीद है अगले कुछ दिनों तक हमें कैंडिडेट्स के साथ साथ हमें भी उतना ही वक्त देना होगा, तब जाकर हम अपने मंजिल को पा सकेंगे इंशाल्लाह। ये शुरुआत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद इस तरह के और आप लोगों को जल्द देखने को मिलेंगे। बहुत दिनों से लोगों की ख्वाहिश थी शायद औरंगाबाद एक ऐसा शहर रहेगा कि सबसे ज्यादा वक्त असद साहब भी यहाँ पर देंगे और अकबर साहब भी। इसीलिए अगर वे कोशिशों में लगे हैं उनको कह दो अब्बा आने वाले आने वाले। बस जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर यही इंतजार करूंगा कि ये आने वाले 20-25 दिन मेरे लिए हम सबके लिए इम्तिहान की घड़ी है, हम लोग अच्छी तरह से काम करें और इंशाल्लाह एक नई तारीख का सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि महाराष्ट्र के सदर और जो नांदेड़ से हमारे उम्मीदवार है जरूर लावा साहब, तमाम कारपोरेटर्स, तमाम मौजूद उम्मीदवार और मेरे अजीज शरीफ भाइयों बुजुर्गों और साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चाहने वालों को, जो इंतजार था कि औरंगाबाद शहर के तीनों हलके जहाँ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की
शुरुआत बहुत ही ताकत से हुई और पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम खुलने और खुलने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे कायद मैरिस्टर ओवैसी साहब ने कल उसका ऐलान किया। पूर्व से हमारे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब मध्य विधानसभा मतदार संघ से, जनाब नासिर सिद्दीकी साहब और पश्चिम विधानसभा मतदार संघ से हमारे साथी अरुण मोर्डे को उम्मीदवारी जो है डिक्लेयर की। अब आपके बीच में काफी लोग आएंगे, ये उम्मीदवार था, वो उम्मीदवार था, इसके साथ में हक हुआ, इसके साथ में नाइंसाफी हुई, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद हमारे सलग जो हमको दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही है और उसके मुताबिक जो है हमको काम करना है। और मैं समझता हूँ कि जितने उम्मीदवार चाहते थे हम इस हल्के से जो है इलेक्शन लड़ सके, औरंगाबाद के तीनों सीटों से अलग अलग जगह से हम जो उन्होंने डिमांड की थी, मैं समझता हूँ सभी उम्मीदवार आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन यहाँ पर मौजूद है और जो नहीं है वो भी हमारे साथ में है और वो आखिरी तक हमारे साथ में रहेंगे। और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों कैंडिडेट्स को विधानसभा जाने से जो है कोई रोक नहीं सकता। अब आपके काम यहाँ से शुरू होता है। मैं आप तमाम लोगों से जिला सदर होने की हैसियत से एक जिम्मेदारी से जो है आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ, आप लोगों से जो वोटों की भीख मांगता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हमारे कायद मैरिस्टर हसनुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पे दिए है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में हम जो काम कर रहे हैं उनको आप अपना वोट दीजिए, अपनी ताकत दीजिए, अपना साथ दीजिए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई आमदार जो है विधानसभा के महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर ऐसा एक शहर बन के उभरेगा कि यहाँ से शुरुआत हुई और महाराष्ट्र के विधानसभा में पहुंची। जैसे आपने करिश्मा कर दिखाया था, आमदार इम्तियाज जलील साहब जो आमदार थे आपने उनको एक करिश्मा यहाँ से कर दिखाया, उनको खासदार बनाकर दिल्ली में पहुंचा। मैं आप तमाम लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ इन तीनों उम्मीदवारों को अपने हल्कों से जो कामयाब बनाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाइल हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में मजबूत कीजिए। खुदा जो दुश्मन है या जो हमारे मुखालिफिन है
तो ये इनकी चाहते बराबर चलने वाले हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम में हमारा भी नाम है, हम हमारे इत्तेहाद को इंशाल्लाह तोड़ टूटने नहीं देंगे। हम हमारी मेहनत से जिस तरह लोगों ने गुमान भी नहीं किया था कि यहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आ सकता है, इसलिए मैं खासतौर पर इजाज़ अली साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक बड़ी गाड़ी आगे निकली तो छोटी गाड़ी आगे पीछे लगेगी। तो मैं इस मौके पर तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये 20-22 दिन जो बचे हैं इसके अंदर दिन और रात एक करके इंशाल्लाह ताला हैदराबाद तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाएंगे कि औरंगाबाद ने फिर एक मतलब इत्तेहाद का सबूत दिया है। शुक्रिया खुदा
शहर औरंगाबाद के खासदार शेर महाराष्ट्र अली जनाब सैयद इम्तियाज़ अली साहब आज के प्रोग्राम पर तमाम मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज इस इत्तेलाई मौके पे मैं औरंगाबाद के तीन उम्मीदवारों को सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज यकीनन आप लोगों की मौजूदगी को देखकर ये बात का एहसास होता है कि शहर औरंगाबाद की आवाम ये परिवर्तन करने वाली आवाम है और ये ऐसे ही इतिहास ही रचा क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से भेड़े साहब ने कहा 14 के अंदर महानगर पालिका में 36 आए थे तो इसी पार्लियामेंट के अंदर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज़ अली साहब को खासदार बना के आप लोगों ने जो इंतजाम कर पाया है यकीनन ये तो शहर औरंगाबाद या रियासत महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे वाले नरेंद्र मोदी जी की जुबान से इम्तियाज़ अली साहब ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ जो रियासत के अंदर इश्तेहार में बैठने वाली एक सियासी जमात के उम्मीदवार इम्तियाज़ अली साहब के खिलाफ ने जो पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर एक खासदार बोल के रहते थे तो यकीनन मुख्यालय के अंदर तो दर्शना किसी का भी निकलता है। मुझे औरंगाबाद के अवाम और हमारे नायक इम्तियाज़ अली साहब से इस बात की उम्मीद है मुख्यालय में तो हर किसी का पसीना निकलता है मगर ढंकाले में इसी असेंबली में औरंगाबाद के अवाम के साथ आप इन लोगों का भी पसीना निकालेंगे। मैं कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब ए मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हबीब ए मिल्लत अलहज कुलीन अवैसी साहब और अली जनाब इम्तियाज़ अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे एक मौका दिया है। तो यकीनन आप तमाम लोगों से गुजारिश करने जैसा साहब मुझे नहीं लगता क्योंकि औरंगाबाद के वक्त बहुत जागृत आवाम है जैसे कहते थे बचना अरे डोले खेले तुम क्या हो वो भी परेशान है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की ताकत ही है जिन्होंने एक हिंदुस्तान के अंदर इतिहास को कायम किया और अब अपने शहर से एक खासदार साहब को आपने 24 दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि 28 दिनों के अंदर एक खासदार ला सकते हैं तो यकीनन आज भी आपके पास बाकी 24 दिन बाकी है तो इंशाअल्लाह ताला ही नामदार आप ला सकते हैं। जय भीम जय भीम जय मल्लाद जय सेवा।